नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास सिंह और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने टेक्निकल चैनल में जिसका नाम है एंड्रो गुरुजी। और एक और फ्रेश यहाँ पर वीडियो लेके आ चुका हूँ MI A2 के ऊपर। और फाइनली हम लोग यहाँ पर लेके आ चुके हैं इसके लिए बीटा वर्ज़न MIUI 12 का। हालांकि ये जो MI वर्ज़न है ये एंड्रॉयड 9 पे बेस्ड है, जैसे कि मैं आपको ऑल स्पेक्स के अंदर आपको दिखा पाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपको ये एंड्रॉयड 9 के अंदर देखने को मिल जाता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसको भी जो यहाँ पर जो है 20.5.7 बीटा जो है Xiaomi EU का जो वर्ज़न है इसके अंदर इंस्टॉल्ड है MIUI 12 का। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम होम स्क्रीन की बात कर लेते हैं। तो हमको होम स्क्रीन के अंदर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको वॉलपेपर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको पूरे नए जो है बहुत ही बढ़िया बढ़िया वॉलपेपर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जो है सुपर वॉलपेपर का जो यहाँ पर सपोर्ट नहीं है, जो एकदम डायनामिक वाला है उसका सपोर्ट तो फिलहाल यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसका भी मैं जल्दी एक अपडेट लेके आ जाऊँगा आपके लिए, आप उसको भी यहाँ पर इंस्टॉल कर पाएंगे। फिलहाल आपको कुछ यहाँ पर डायनामिक जो है यहाँ पर कह सकते हैं आपको वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं इसके MIUI के। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बहुत सारी जो है चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं अपने सिस्टम UI के अंदर, एनिमेशंस के अंदर। बात करना चाहूँगा यहाँ पर जो आपको यहाँ पर रिसेंट मेन्यू का एनिमेशन जो है बिल्कुल यहाँ पर सेम है, ऐसा कुछ सच अलग नहीं देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर ये एंड्रॉयड 9 के साथ आ रहा है तो हमको रिसेंट मेन्यू में ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। वेदर एप्लीकेशन की बात करें तो बिल्कुल अपडेटेड हमको देखने को मिलती है यहाँ पर वेदर एप्लीकेशन। इसके अलावा फ्रेंड्स जहाँ पर हम गैलरी की बात करते हैं तो गैलरी भी हमको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको मेमोरीज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अलग से, यहाँ पर आप जो है वीडियो एडिटर का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर जो है आप यहाँ पर अपने अपने जो है वीडियो एडिटिंग वगैरह जो है यहाँ पर ईजिली कर पाएंगे, और काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है यहाँ पर मुझे ये लगा। और फ्रेंड्स MIUI की जितनी भी एप्लीकेशन है उन सभी को जो अपडेट कर दिया गया है, जहाँ पर यहाँ पर हमारे कैलेंडर के अंदर हमको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स एक बार फाइल मैनेजर पर नज़र मारते हो तो फाइल मैनेजर हमारा काफ़ी बढ़िया हो गया है, काफ़ी क्लासी और अलग देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ देखने को मिल जाएगी और काफ़ी बढ़िया, मतलब आपको यहाँ पर जो है बिल्कुल जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं अपने फाइल मैनेजर के अंदर। और आप देख सकते हैं जो एनिमेशन है ये बहुत ही प्यारा लगता है यहाँ पर, अब इसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है। सेटिंग के अंदर चलते हैं फ्रेंड्स, सेटिंग के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीटली अलग से हमको लुक देखने को मिलता है और फॉन्ट भी यहाँ पर हल्का फुल्का चेंज देखने को मिलता है। सिक्योरिटी ऐप की बात करते हो तो सिक्योरिटी ऐप बिल्कुल हमको जो है लेटेस्ट वाला देखने को मिल जाता है, जो कि अपडेटेड है बिल्कुल, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी और भी चीज़ें देखने को मिल जाती है यहाँ पर। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर अपने राइट साइड में इसको स्वाइप करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है वॉल्ट देखने को मिल जाएगा इसका, बहुत ही बढ़िया है, जो कि यहाँ पर आप अलग अलग चीज़ें जो है यहाँ पर स्टेप काउंट्स वगैरह भी जो है यहाँ पर डाल सकते हैं, बैटरी यूसेज या सब कुछ यहाँ पर आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं यूज़ इसके अंदर। और काफ़ी बढ़िया लगता है यहाँ पर, काफ़ी सिंप्लीफाइड हो गया पहले से, अब यहाँ पर आपको ऊपर जो है यहाँ पर आपको टेम्परेचर वगैरह दिखा रहा है, काफ़ी बढ़िया से यहाँ पर दिखा रहा है। अब वेदर के अंदर फ्रेंड्स ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं और यहाँ पर आपको अब अलग से जो है पीछे की तरफ आप देखेंगे तो हल्के हल्के एनिमेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। कैमरे की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा चेंजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, बिल्कुल सेम जो पुराना वाला था उसी तरीके का कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर देख सकते हैं गूगल लेंस का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो हल्का फुल्का चेंज जरूर है लेकिन बहुत बड़ा कोई यहाँ पर चेंज नहीं आया हुआ है इसके अंदर। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे परफेक्ट कर वर्क कर रही है इसके अंदर, इस रोम के अंदर काफ़ी बढ़िया से यहाँ पर काम कर रहा है सब कुछ यहाँ पर, ऐसे कोई मेरे को मेजर बग यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। हल्के फुल्के आपको सिस्टम लैग देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो कि यहाँ पर बीटा वर्जन है तो वो आप यहाँ पर एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। सेटिंग के अंदर चलते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आप माई डिवाइस को देखेंगे तो आपको कम्प्लीटली एक अलग से ग्राफिकल लुक देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बात करते हैं स्टोरेज की तो आप देख पाएंगे यहाँ पर काफ़ी जो है ग्राफिकली आपको बता रहे हैं कि क्या क्या जो है यहाँ पर आपका कितना कितना किस किस चीज़ ने यूज़ किया हुआ है, तो काफ़ी बढ़िया से देखने को और काफ़ी मतलब कूल लगती है चीज़, बहुत ही बढ़िया लगती है देखने में हमको। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क की बात करते हैं तो हमको यहाँ पर कम्प्लीटली लुक चेंज देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको अलग अलग बड़े बड़े डब्बे टाइप देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी बढ़िया ये लुक देखने को हमको मिल जाता है इसका। उसके बाद वैलन की बात करें तो यानी वाईफाई की बात करें तो यहाँ पर भी हमको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल जाते हैं और वाईफाई परफेक्टली यहाँ पर वर्किंग है। इसके अलावा ब्लूटूथ की बात करें तो ब्लूटूथ भी यहाँ पर परफेक्टली वर्किंग है, इसके अंदर भी हमको हल्के फुल्के जो है चेंज यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर हमको मेजर चेंज देखने को मिल जाता है वो हमारी नोटिफिकेशन बार के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आप लेफ्ट से स्वाइप करते हैं तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं और राइट से यहाँ पर स्वाइप करते हैं तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ देखने को मिल जाती है, अबाउट योर डेटा ब्लॉक्स बने आ जाते हैं और पूरे कंप्लीटली यहाँ पर लुक चेंज देखने को मिल जाता है।
यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर स्लाइडर वगैरह जो है परफेक्टली काम कर रहे हैं। यहाँ पर वॉल्यूम स्लाइडर की मैं बात करूँ तो वो पुराना वाला ही है, यहाँ पर कोई नई चीज़ हमको देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर आप कंप्लीटली आपको जो है पूरा ही सेम देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में बहुत ही ज़्यादा ग्राफिकल चेंज किए गए हैं और काफ़ी बढ़िया आप देखने में लगता है। और मैं यहाँ पर बात करूँगा कि भाई ये आईफोन से इंस्पायर्ड है, ये तो हर कोई यहाँ पर जानता है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर हमको एक कनेक्शन शेयरिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको मी शेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर ये ओप्पो वीवो रियलमी और सारे अदर ब्रांड्स जो है अब यहाँ पर धीरे धीरे करके कंपेटिबल हो जाएगा और सब ब्रांड के अंदर भी आप जो यहाँ पर आपस में जो है लेन देन कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। लॉक स्क्रीन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो लॉक स्क्रीन के अंदर हमको यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमको यहाँ पर स्मार्ट कवर मोड देखने को मिल जाता है, पावर मेन्यू एक्सेस देखने को मिल जाता है, सेटिंग एक्सेस आपको करना है यानी क्विक सेटिंग का एक्सेस आपको देना है लॉक स्क्रीन में या नहीं देना है, इसको भी आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर चलते हैं फ्रेंड डिस्प्ले की तरफ, तो डिस्प्ले के अंदर आप देख पाएंगे यहाँ पर ब्राइटनेस लेवल, जहाँ पर हमको कोई भी एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। रीडिंग मोड यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करो एंड्रॉइड 10 के अंदर हमको एक और ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। साइड बाय साइड अभी कंपैरिजन एक वीडियो लेके आऊंगा कि एंड्रॉइड 10 के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है और एंड्रॉइड 9 के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर डार्क मोड 2.0 जो है जरूर से यहाँ पर जो है सपोर्ट करता है, जो कि परफेक्टली यहाँ पर वर्किंग है, कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलने वाली डार्क मोड के अंदर 2.0 के अंदर, जहाँ पर कंप्लीटली हर चीज को डार्क कर देता है, जो कि आपके सिस्टम की हर एक एप्लीकेशन होती है उसको यहाँ पर डार्क यहाँ पर कर देता है। इसके अलावा फ्रेंड्स हमको यहाँ पर कलर स्कीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको आप ऑटो में रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, या पूल पे भी आप रखेंगे तो आपको जो मतलब आपको सही लगता है उस हिसाब से जो आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं सिस्टम फॉन्ट की, तो हमको फॉन्ट में यहाँ पर काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं, ऑनलाइन फॉन्ट जहाँ पर आप जो है चेंज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे इंग्लिश फॉन्ट देखने को मिल जाएंगे, कोई यहाँ पर कह सकते हैं आप यहाँ पर कोई चाइनीज फॉन्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अब आपको एक नया ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है टेक्स्ट साइज के अंदर, टेक्स्ट साइज एंड वेट फॉन्ट वेट, तो अब यहाँ पर ना आप फॉन्ट का जो साइज़ मोटा या पतला भी जो है कर सकते हैं, जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया बात लगी। यहाँ पर मैं पतला ज़्यादा पसंद करूँगा, अगर थोड़ा सा ये पतला और होगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा और बहुत ही मज़ा आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पर बोल्ड भी रख सकते हैं, कुछ लोगों को यहाँ पर बोल्ड भी पसंद होता है, तो एक ये नया ऑप्शन ज़रूर से हमको देखने को मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ आपको बोल्ड दिखाई दे रहा होगा। स्टेटस बार के ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, यहाँ से आप जो इनको बंद या ऑन कर सकते हैं। बैटरी इंडिकेटर की बात करें तो हमको यहाँ पर नया ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं और एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर एंड्रॉइड 10 के अंदर भी नहीं देखा है, लेकिन इसके अंदर देखने को मिल रहा है, यानी बैटरी बार का ऑप्शन देखने को हमको इसके अंदर मिल जा रहा है। और इसके अंदर बैटरी के अंदर आपको जो है परसेंटेज देखने को मिल जाएगा और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। और आने वाले कंट्रोल सेंटर को यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा है यूज़ कंट्रोल सेंटर, इसको आप ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि जो आपका पुराना वाला जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन बार था वो यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। मुझे तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर कंट्रोल सेंटर वाला बहुत पसंद आया है ये नया ऑप्शन, आपको कौन सा पसंद है पुराना वाला या नया वाला कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम साउंड एंड वाइब्रेशन की बात करते हैं, तो हमको यहाँ पर भी ब्लॉक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सिंप्लीफाइड और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर देखने को हमको मिल जाती सारी चीज़ें। यहाँ पर हमको ईयरफोन्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आप अपने यहाँ पर जो मी के जितने भी इन्हेंसर हैं उनको इस्तेमाल कर पाएंगे साउंड इन्हेंसर। एडिशनल सेटिंग के बारे में एक बारी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको जो है अलग अलग साउंड जो है सिस्टम वाले उनको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जो पहले भी यहाँ पर अवेलेबल था। होम की बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर आप तो काफ़ी सारे आपको जो है यहाँ पर पुराना वाला जो हमारा मी लॉन्चर जो है वही देखने को इसके अंदर मिलता है बेसिकली, जहाँ पर यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन ज़रूर से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप जो है यहाँ पर रेगुलर या स्वाइप अप वाला जो है ऑप्शन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉवर या विदाउट ड्रॉवर आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं विदाउट ड्रॉवर यूज़ करता हूँ तो आप देख पाएंगे मैं सारे ऐप जो कुछ इस तरीके से खोल पा रहा हूँ, और ड्रॉवर के साथ इस्तेमाल करूँ विदाउट ड्रॉवर इस्तेमाल करूँगा तो मुझे सारे ऐप जो है वो होम के अंदर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें यहाँ पर फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट, तो काफ़ी बढ़िया से काम कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। यहाँ पर मैं एक बार आपको फिंगरप्रिंट ज़रूर से यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ, काफ़ी बढ़िया से काम कर रहे हैं, बहुत फास्ट और एक्यूरेट है यहाँ पर, मतलब हर बारी आपकी जो है यहाँ पर खुल जाएगा लगभग, इस तरीके का उन्होंने बनाया है। फेस अनलॉक भी यहाँ पर मैं लगा के दिखा देता हूँ और आपको बता देता हूँ कैसा है। सो फ्रेंड्स फेस अनलॉक मैंने यहाँ पर लगा लिया है, तो अब चेक कर लेते हैं किस तरीके का यहाँ पर फेस अनलॉक आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं ऑफ करता हूँ स्क्रीन को, अब ऑन करता हूँ और यहाँ पर हो गया है, और काफ़ी प्यारा सा एनिमेशन हमको देखने को मिल रहा है, अगर मना कर रहा है वो इस तरीके से देख सकते हैं हम तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में ये, और काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है मेरे को लगा, तो काफ़ी फास्ट एंड एक्यूरेट है, ऐसी कोई दिक्कत आपको यहाँ पर खासा देखने को नहीं मिलने वाली।
MIUI 12 के अंदर फ्रेंड्स यहाँ पर जो है प्राइवेसी का आपका खासा ध्यान रखा गया है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि कौन से ऐप ने कितनी बारी परमिशन लिया, किस चीज़ का परमिशन लिया, यहाँ पर आप सारी चीज़ें जो है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कितनी बारी किस चीज़ ने एक्सेस लिया है यहाँ पर आप सारे मैनेज कर पाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर मुझे लगा है, और यहाँ पर मतलब अब काफ़ी खुल के यहाँ पर जो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है किसने कितनी बारी परमिशन ली है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। ऐप्स की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको डुअल ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ऐप लॉग भी हमको उसके अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर परफेक्ट वर्किंग है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अपनी बैटरी एंड परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर बैटरी वाला जो हमको ऑप्शन देखने को मिलता है वो बिल्कुल ही नया देखने को मिलता है यहाँ पर। ये भी कम्प्लीटली ग्राफिकल हो गया काफ़ी बढ़िया से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अल्ट्रा बैटरी सेवर का ऑप्शन और बैटरी सेवर का दोनों का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको ये भी कम्प्लीटली नया देखने को मिलता है, जो कि यार बहुत बहुत बढ़िया बात है, यहाँ पर कमाल की चीज़ हो गई है। और यहाँ पर एंड्रॉयड 10 के साथ ज़्यादा आ जाता ना तो और मज़ा आ जाता है यार यहाँ पर। इसके अलावा फ्रेंड्स एडिशनल सेटिंग की बात करें तो यहाँ पर हमको फुल स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जहाँ पर जो है आप यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे अपना जो एंड्रॉयड 10 वाला ही सिस्टम है, बिल्कुल ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर स्वाइप वाला इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जो एंड्रॉयड 10 का स्वाइप वाला है ना, लाइट रेट वाला, वो आप इसके अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एंड्रॉयड 9 पर रन कर रहा है और वो एंड्रॉयड 10 का ऑप्शन है। तो इन फ्यूचर एंड्रॉयड 10 का अगर अपडेट आ जाता है इसके अंदर तो मैं ज़रूर से आपको बता दूँगा, क्योंकि स्टॉक के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको एंड्रॉयड 10 का अपडेट देखने को मिल जाता है। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिल जाती है, क्विक बॉल का सपोर्ट यहाँ पर अगेन देखने को मिल जाता है, और बाकी चुटर पुटर ऑप्शन सारे ही आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको MIUI के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर स्क्रीन टाइम हमको देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर डिजिटल वेलबींग को जो है रिप्लेस करता है, और यहाँ पर फोकस मोड भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो डिजिटल वेलबींग को हटा के इसको यहाँ पर जो है डाल दिया गया है, जो कि मतलब ठीक ठाक है और काफ़ी बढ़िया देखने में लगता है। यहाँ पर स्पेशल फीचर की बात करें तो यहाँ पर आपको गेम टर्बो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वीडियो टूल बॉक्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वीडियो टूल बॉक्स आपको नहीं पता क्या है तो मेरा MIUI 12 का जो पोको X2 का वीडियो है उसके अंदर आपको कंप्लीट जो है यहाँ पर चीज़ देखने को मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में ज़रूर से यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा सेकंड स्पेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गेम टर्बो की अगर हम बात करें तो हमको इसके अंदर लेटेस्ट वाला जो गेम टर्बो वही देखने को मिलता है, यहाँ पर पुराना वाला देखने को नहीं मिलता है। सो फ्रेंड्स अब फाइनली यहाँ पर टाइम आ गया इसको इंस्टॉल करने का। तो कैसे इसको इंस्टॉल करना है आइए देख लेते हैं आगे। फ्रेंड्स हमेशा की तरह आपको अपनी TWRP के अंदर जो है बूट कर लेना है, उसके बाद वाइप में जाना है। वाइप में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डेलविक सिस्टम वेंडर कैचे और डेटा को यहाँ पर जो है कम्प्लीटली वाइप कर लेना है, अपने इंटरनल डेटा को छोड़ करके। ये करने के बाद फ्रेंड्स आपको बैक करना है, बैक करने के बाद आपको यहाँ पर आपको इंस्टॉल के अंदर जाना है। इंस्टॉल के अंदर जाने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर MIUI 12 की जो है रोम देखने को मिल जाएगी, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। आपको सिंपली इसको उठाना है और कुछ इस तरीके से जो है फ्लैश यहाँ पर कर देना है। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है MIUI 11, पर टेंशन मत लीजिए, आपको बूट करने के बाद मैं ज़रूर से यहाँ पर दिखा दूँगा कि MIUI 12 भी जो है रन कर रहा है। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने इंस्टॉल कर लिया है MIUI 12 रोम को। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जाना है इंस्टॉल में, यहाँ पर जाना है आपको नीचे ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पर डिसेबल फोर्स इंस्क्रिप्शन को, और इसको यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से जो है फ्लैश यहाँ पर कर लेना है। करने के बाद आपको सिंपली जो है सिस्टम के अंदर रिबूट कर लेना है, और अब टाइम टू बूट MIUI 12। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बूटिंग स्क्रीन आ गई है। अब हम थोड़ा और वेट कर लेते हैं और डायरेक्टली आपको बूट के बाद मिलता हूँ। सो फ्रेंड्स डिवाइस हमारा जो यहाँ पर बूट हो चुका है, आइए चेक कर लेते हैं इसके अंदर कौन सी रोम इंस्टॉल हुई है। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर MIUI 12 का जो बीटा वर्जन है यहाँ पर EU का, वही यहाँ पर जो है हमने फ्लैश कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को जरूर से यहाँ पर लाइक कर लेना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते अगले वीडियो में।